हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले TVS Apache RTR 164V के बारे में। जानेंगे इस बाइक में आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इस बाइक के कलर के बारे में, तो यहाँ पर हमारे पास 164V का रेड कलर है, जिसमें आपको डुअल टोन देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, टैंक्स में आपको रेड कलर मिलेगा एंड साइड पैनल जहाँ पर अपाचे की बैजिंग है वहाँ पर आपको सिल्वर कलर देखने को मिलेगा। एंड अगर मैं बात करूँ ग्राफिक्स की, तो यहाँ पे आपको टैंक्स में थोड़ी सी ग्राफिक्स मिलेगी, TVS का मोनो देखने को मिलेगा, वह अपाचे की बैजिंग साइड पैनल्स में आपको देखने को मिलेगी, 164V की बैजिंग आपको लास्ट पैनल्स में देखने को मिलेंगे एंड TVS रेसिंग की बैजिंग भी आपको फ्रंट मडगार्ड में देखने को मिलेगी। ओवरऑल इस बाइक का जो डिज़ाइन है वो एक एग्रेसिव सा लुक दिया गया है एंड ये आज के यूथ, आज की जनरेशन के हिसाब से इस बाइक को डिज़ाइन किया गया है। तो गाइज, अब मैं बात करता हूँ इस बाइक के दिल के बारे में, यानी इसके इंजन के बारे में। तो यहाँ पे आपको 159.7 cc का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल SI4 वेल्व कार्बोरेटर इंजन मिलता है, जो कि 16.1 bhp एट 8000 rpm एंड 14.8 Nm एट 6500 rpm प्रोड्यूस करता है। और इसमें आपको 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन एंड ड्यूअल बैरल एग्जॉस्ट भी मिलता है। इसमें आपको सिंगल चैनल ABS भी मिलता है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी है। अगर मैं बात करूँ इसके फ्रंट डिस्क की, तो यहाँ पे आपको 270 mm का फ्रंट में एंड 240 mm का रियर में डिस्क मिलता है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ इसके ड्रम के साइज़ की, तो 130 mm का ड्रम भी आपको इसमें मिलता है। अगर मैं बात करूँ टायर कॉन्फ़िगरेशन की, तो फ्रंट में आपको 90x90 का टायर 17 inch के अलॉय में एंड रियर में आपको 130x17 के टायर 17 inch के अलॉय में मिलता है। सस्पेंशन सेटअप की बात करी जाए, तो यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक फॉर्क फ्रंट में एंड रियर में आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर मिलता है। तो अब मैं बात करता हूँ इसके हेडलैम्प के बारे में। तो यहाँ पे आपको स्मोकी ब्लैक फिनिश विद डे टाइम रनिंग लाइट मिलने वाली है एंड 60x55 W का हेलोजन बल्ब भी मिलने वाला है। एंड इंडिकेटर्स की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको LED इंडिकेटर्स नहीं मिलने वाली, इसमें भी आपको हेलोजन ही मिलने वाला है। एंड अगर इसके टेल लैंप की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको LED टेल लैंप देखने को मिलेगी। तो अब मैं बात करता हूँ इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो यहाँ पे आपको पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल में मिलने वाला है। एनालॉग सिस्टम बिल्कुल भी इसमें एक भी नहीं देखने को मिलेगी आपको। इसमें आपको स्पीड मीटर मिलेगी, RPM गेज मिलेगा, टाइम मिलेगी, फ्यूल गेज मिलेगा, ट्रिप ए एंड बी और लैप टाइमर, हाई स्पीड रिकॉर्डर भी मिलने वाला है। तो अब बात करते हैं इसके सीट की, तो यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट नहीं मिलती, जैसा आपकी आपको 200 में देखने को मिला था, ऐसा आपको स्प्लिट सीट नहीं, ये पूरी कंबाइंड सीट आपको लॉन्ग सीट मिलने वाली है इसमें। एंड इसके साथ में आपको ग्रैब रेल भी मिलने वाला है एंड यहाँ पे आपको क्लिप ऑन हैंडल बार्स भी देखने को नहीं मिलेगी। तो अब मैं बात करता हूँ इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में। तो इसमें आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिलने वाला है विद 2.5 लीटर रिजर्व के साथ में। एंड इसके माइलेज की बात करूँ, तो 45 km/L ये आपको माइलेज देने वाली है। सो गाइज, अब मैं बात करता हूँ इस गाड़ी के वेट की, तो यहाँ पे इस गाड़ी का जो वेट है वो है 143 kg विद फुल टैंक कैपेसिटी के साथ में। यहीं पे बात मैं अगर करूँ डायमेंशन की, तो लेंथ इसका है 2050 mm का, विड्थ इसका 790 mm है, हाइट इसकी 1050 mm है, व्हील बेस इसकी 1357 mm है, सीट हाइट इसकी 800 mm है एंड इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 180 mm है, जो कि इंडियन रोड के हिसाब से बहुत ही अच्छी है। एंड इसकी जो चेसी टाइप है वो है डबल कैडल स्प्लिट सिंक्रो स्टिफ। एंड अगर मैं बात करूँ इसकी प्राइस की, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ डिस्क एंड ड्रम की, तो यहाँ पे 1,09,584 आपको डिस्क एंड ड्रम एंड डुअल डिस्क आपको 1,12,800 के करीब में आपको मिलने वाला है। ये दोनों प्राइस एक्स शोरूम है, RTO एंड इंश्योरेंस इसमें इंक्लूडेड नहीं है। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको TVS की किसी भी बाइक रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, तो आपको हीरा TVS रायपुर के कॉन्टैक्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप जाके वहां उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते फिर नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।